हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक सिविलानी मेक योरसेल्फ यूनिक। दोस्तों, आप सबकी क्वेरीज थी कि सर आप आरसीसी पढ़ाइए, आप स्टील पढ़ाइए, सोम पढ़ाइए, मीन सब्जेक्ट वाइज क्लासेस लीजिए। तो मैं थोड़े दिन आपको वेट करा रहा था। वेट इसलिए करा रहा था क्योंकि मेरा मानना यह था कि अगर कोर्स आए तो ऐसा कोर्स आए कि जिसमें थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल मिक्स हो। और मैंने बहुत मेहनत करके आपके लिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को चूज किया। अनअकैडमी पे पहली बार मेरा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहली बार में डेमो, उसका डेमो होता है, पहली बार में डेमो सेलेक्ट हो गया और विद इन अ डे सेलेक्ट हो गया, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा अप्रिसिएटिंग वर्क था। क्योंकि अफकोर्स मुझे मैंने सोचा था हो जाएगा, दो तीन बार में मुझे डेमो देना पड़ेगा, बट पहली बार में हो गया। और उसके बाद ही मैंने, एक दिन के बाद, संडे था, संडे को मैं बिजी था, उसके बाद मैंने कोर्स भी लॉन्च कर दिया आपके लिए। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ दो लेक्चर ही डाले हैं, अभी ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन ये स्टार्ट हुआ है, लेकिन डेली उसमें मैं एक एक वीडियोस डालने वाला हूं। उससे आपको फायदा ये होगा कि आपका, अभी मैंने आरसीसी का कंप्लीट सीरीज स्टार्ट किया है, तो मैं कंप्लीट आरसीसी मैनुअल डिजाइन, बीम, कॉलम, फुटिंग, स्लैब, स्टेयर केस, वन वे, टू वे, सिंगली, डबली, सबको डिस्कस करने वाला हूँ, ना केवल लिमिट स्टेट से, वर्किंग स्टेट और लिमिट स्टेट दोनों से। और उसके साथ उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट में आपको प्री स्ट्रेस कंक्रीट भी पढ़ाने वाला हूँ। तो हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं आरसीसी के अंदर। वो सबको आपको पढ़ने के लिए पहले तो आपको फॉलो करना पड़ेगा मुझे अनअकैडमी पे, जिससे कि आपको डेली नोटिफिकेशन मिले। और डेली अभी मैंने फिक्स टाइम नहीं किया है कि मैं कितने बजे क्लास लेके आऊँगा आपके लिए अनअकैडमी पे, बट मैं जल्दी ही आपको टाइमिंग भी शेयर कर दूंगा कि इतने बजे मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप लोग फटाफट ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अब साथ में जुड़ जाइए। डेफिनेटली पूरा का पूरा आरसीसी मैं आपको कवर करा दूंगा। इसके बाद किसी इंटरव्यू में गए, वो सिर्फ इंटरव्यू लेवल से नहीं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, मीन्स एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एक भी क्वेश्चन उसके बाहर से नहीं आने दूंगा। ऐसी मेरी पूरी कंप्लीट कोशिश यही रहेगी। आप गेट के बारे में पढ़ रहे हो, गेट के लेवल पे भी मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गेट और एसएससी, क्योंकि अभी आप देखो तो एसएससी का भी लेवल बढ़ चुका है, गेट और एसएससी, और साथ ही साथ प्रैक्टिकल इंटरव्यू क्वेश्चन जो पूछेंगे, तो मैं आपको एक स्पेशल उसी में क्लास लूंगा जिसमें बताऊंगा कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछे जाते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। बट आजकल कई ढेर सारी कंपनीज है, जो एमएनसीज हैं, जैसे कि साइटेक है, जैसे कि अभी एलएनटी है, राइट्स है, ये थ्योरेटिकल पेपर्स लेते हैं, तो ये आपको प्रॉपर एक एलिमेंट देते हैं, चाहे बीम हो, चाहे कॉलम हो, चाहे फुटिंग हो, और बोलते हैं इनका मैनुअल डिजाइन करो। और ये हमारे लिए काफी टफ हो जाता है क्योंकि हमारी प्रैक्टिस उसके अंदर नहीं रहती है दोस्तों। तो इनको अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, मीन्स अच्छे से अगर इनको पेपर को सॉल्व करना है, तो बहुत डीप लेवल पे आपको कोड का नॉलेज होना चाहिए। तो मैंने इस सीरीज में कोड भी मिक्स किया है कि आरसीसी का जो इंपॉर्टेंट कोड है, जैसे कि IS 456-2000, उसको भी मैं इसके अंदर डिस्कस करूंगा। उसके साथ उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स है डक्टाइल डिटेलिंग, तो उसके लिए IS 13920 मैं उसको ही इसमें मिक्स करने वाला हूँ। उसके साथ ही साथ आपका IS 875 के पांचों पार्ट, डेड लोड, लाइव लोड, विंड, सेस्मिक, स्नो, सबको मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। और उसमें लास्ट में आपको विंड एनालिसिस और सेस्मिक एनालिसिस पे मेन फोकस रहेगा मेरा। और अगर आप सब ने अप्रिसिएट किया वर्क को, क्योंकि आप सब बहुत दिन से बोल रहे थे इसलिए मैं आपके लिए लेके आया, अगर आप लोग अप्रिसिएट करेंगे तो डेफिनेटली मैं तुरंत ही जल्दी से इसको कंप्लीट करके और तुरंत स्टील या जिस भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए, स्टील या सोम, जिसका भी आपको पहले चाहिए, नीचे कमेंट करना, जिसके कमेंट ज़्यादा होंगे उस सब्जेक्ट को मैं तुरंत स्टार्ट करूंगा और वो सब्जेक्ट भी हम लोग फिनिश करेंगे। आरसीसी की बहुत दिन से रिक्वेस्ट थी, लोगों ने कई बार बोला कि सर आपने स्टैट ईटैट पे तो बताया है, आपके प्लेलिस्ट में है कुछ ट्यूटोरियल्स। हाँ जी, कुछ ट्यूटोरियल है, सॉरी, अभी मैं जल्दी ही कंप्लीट ट्यूटोरियल तैयार करूंगा, लेकिन अभी पहले मेरा फोकस आरसीसी रहेगा, कम से कम 15 डेज। 15 डेज में जैसे ही मैं कंप्लीट करता हूँ, तुरंत दूसरा जो भी आप लोग कमेंट करोगे उसके लिए मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करना, मेरा वर्क कैसा लगा, और थोड़ा सा अप्रिसिएट भी करना यार, क्योंकि डेमो फर्स्ट टाइम में अनअकैडमी पे सेलेक्ट होना आज के टाइम में बड़ा टफ हो चुका है, क्योंकि हर कोई अनअकैडमी का ट्यूटर बनना चाह रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे इकोनॉमी फैक्टर भी है, कहीं ना कहीं वहाँ पे पॉपुलरिटीज, इतने अच्छे अच्छे ट्रेनर है वहाँ पे, मैं खुद भी बहुत लोगों को वहाँ पे फॉलो करता हूँ, उनको देखा कि क्या नॉलेज है उनका, तो मैं उनसे भी सीखता हूँ। बाकी मैंने मेडजी से सीखा है, IAS एकेडमी से सीखा है, ये सब बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट जो फैक्ट है फैक्ट है। तो इनका जो नॉलेज का कंटेंट, जो लेवल है ना, बहुत अच्छा है। और अगर आपके पास इनकी बुक्स है तो इनको ही पढ़िए, और इनके बुक्स का जो निचोड़ होता है वही तो हम लोग देते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग कहीं बाहर से लेके आते हैं। अब मैं एक दिन पढ़ रहा था, रामारुथम सर की बुक थी,
सोम की, इतना डीप में था वो कि मैं कॉलेज में पढ़ चुका हूँ, उसके बाद एक और पढ़ चुका हूँ, तिवारा पढ़ रहा हूँ, फिर भी नया नया कंटेंट दिख रहा हूँ। बाप रे, बहुत अच्छी बुक है रामा रुथम सर की। तो अगर आपको सोम बहुत डीप में पढ़ना है तो मैं आपको एक रिकमेंड भी कर सकता हूँ कि आप रामा रुथम की बुक पढ़ लीजिए, सोम कहीं से जाएगा नहीं उसके बाहर से। फिलहाल जो मेरा ट्यूटोरियल आने वाला है वो रामा रुथम सर की बुक्स और आर के बंसल सर की बुक्स, इन सब बुक्स का निचोड़ होगा, उसी को मैं लेके आने वाला हूँ। तो आप लोग वर्क को अप्रिशिएट कीजिए, साथ ही साथ फटाफट फॉलो कर लीजिए जाके। अभी ओवरव्यू के लिए गया हुआ लेक्चर, वहाँ पर रिव्यू होता है लेक्चर अनअकैडमी पे, तो मे भी दिखे और नहीं दिखे तो आप फॉलो कर लीजिएगा, जैसे तुरंत नोटिफिकेशन आपको आएगा जाके आप वॉच कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहो, बहुत कुछ मैं आपको देने वाला हूँ और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आपसे कॉस्ट नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ आपको जाके वॉच करना है और सीखना है। प्लीज़ एक चीज़ ध्यान देना कि देखो वीडियो सब लोग देखते हैं, बट उन वीडियोस में से कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं, जैसे मैं अपनी खुद की बात बताऊं तो मैं कई लोगों को वीडियो सुनता हूं, मींस चाहे वो न्यूज़ हो, मैं न्यूज़ भी सुनता हूं। आपको पता है मैं पोएट्री का बहुत बड़ा शौक है मुझे, पोएट्री शायरी सब कुछ है, हम सब दिन भर देखते हैं, बट उसमें से कितनी चीजें यहाँ पे लेके जाते हैं पता है आपको? मेरी डायरी यहाँ नहीं है, मैं अपनी डायरी में सब कुछ लिखता हूँ, जो भी मुझे पूरा कंटेंट देखा जो अच्छा लगा मैं डायरी में लिख लिया, और फिर इसको सुबह सुबह मैं ब्रश अप करता हूँ, मैं एक बार मॉर्निंग में फटाफट एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। उससे क्या होता है, कंटेंट मुझे रट जाता है। तो मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे अनअकैडमी पे आप देखिए, चाहे यूट्यूब पे आप मुझे देखिए या किसी को भी देखिए, आप जो भी वहां से सीख रहे हैं एक सेपरेट नोटबुक में लिखिए। नहीं तो आपने देखा तो अब तक में लाखों चीजें हैं, पढ़ी तो अब तक में हजारों किताबें हैं, बट याद कितना है 2 मिनट में रियलाइज कर लीजिए, आपको पता चलेगा कि यार याद तो नहीं है, सिर्फ देखा है। इसलिए याद नहीं है क्योंकि हमने उसको माइंड में रखा, सबकॉन्शियस माइंड में नहीं रखा। तो प्लीज उसको सबकॉन्शियस माइंड पहुंचाने के लिए 5 से 6 बार रिवाइज करके ही रखिए, डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।